सभी को टीम आई एस प्लेटफॉर्म की तरफ से नमस्कार होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं उम्मीद करते हैं कि यह पर्व आपके लिए ढेर सारी खुशियां और सफलता लेके आए आज का हमारा वीडियो इज रिगार्डिंग दी पेपर जानते हैं कि ऐसे पेपर इतना क्रुशियल है कि बीपीएससी का जो रिजल्ट आया ऑफ सिक्स इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जो सिर्फ ऐसे के बल पर उनका सिलेक्शन हुआ है हालांकि जीएस में उनके एवरेज मार्क्स थे तो इस वीडियो में हम लोग ऐसे के अलग अलग डायमेंसन्स के बारे में बात करेंगे हम लोग जो मार्किंग पैटर्न रहा सिक्सटी एट बी पी एस सी का ऐसे में उस आधार पे सिक्सटी नाइन्थ बी पी एस सी में जो ऐसे की मार्किंग की पॉसिबिलिटी है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे अलग अलग डायमेंसन्स के बारे में बात करेंगे उससे पहले की वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करें अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें कृपया अपने दोस्तों के बीच में हमारे यूट्यूब वीडियोस को शेयर करें सो लेट्स स्टार्ट वीडियो ऐसे का जो सेक्शन है जो बीपीएससी मेंस में ऐसे का पेपर होता है उसके तीन सेक्शन होते हैं सेक्शन वन देन देर इज सेक्शन टू एंड देन देर इज सेक्शन थ्री 700 से 800 हंड्रेड वर्ड्स में ऐसे को लिखना होता है ईच एंड एवरी ऐसे और चूंकि तीन ऐसे आपको लिखने होते हैं तो आप

ऐसा भी लगता है कि वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स की बात करें तो हाईएस्ट मार्क्स में वन के जोन में बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं और रैंक ट्वेल्व का जो ऐसे में मार्क्स है दैट इज़ प्रोबेबली हंड्रेड एटी सेवन कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हो सकते हैं जिनका हंड्रेड एटी सेवन से ऊपर हो लेकिन फिलहाल जो इंफॉर्मेशन है उससे ऐसा ही लगता है कि हंड्रेड एट्टी सेवन इस प्रोबेबली वन ऑफ दी हाइएस्ट मार्क्स और इट कुड बी इवन दी हाइस्ट मार्क्स ना हंड्रेड एट्टी सेवन मार्क्स एक ऐसा मार्क्स है जो कि बहुत ही शानदार मार्क्स है अगर किसी के जी एस में मार्क्स बिलो एवरेज भी हों और अगर ऐसे के पेपर में अगर हंड्रेड एटी सेवन आ जाता है तो सेलेक्शन की पॉसिबिलिटी नियरली कन्फर्म्ड होती है प्रोवाइडेड इन इंटरव्यू अगर उसको एटी से एटी फाइव मार्क्स एटलीस्ट आ गए हों तो ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो इवेलुएटेड आंसर शीट ऐसे के हैं जो मार्क्स दिए गए हैं तो सेक्शन वन में एक एवरेज जो मार्क्स निकल के आ रहा है जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका 45 से 50 मार्क्स रहा है सेम होल्ड्स ट्रू फॉर सेक्शन टू का जो ऐसे रहा है उसमें भी एवरेज अबाउट 45 फाइव टू फिफ्टी मार्क्स और सेक्शन थ्री में भी अगर आप देखें तो एवरेज मार्क्स अबाउट फोर्टी से फिफ्टी ही रहा है ना जो एक एजम्सन लगाया जा रहा था कि सेक्शन थ्री में जो बिहार की रीजनल लैंग्वेज है उससे जुड़े क्वेश्चन ऐसे हैं तो उसमें मार्क्स उतने नहीं आएंगे दैट ऑल्सो हैज बीन इंप्रूव रॉन्ग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कि सेक्शन थ्री में हालांकि उनके उनकी राइटिंग जो है बहुत ही एवरेज रही है लेकिन आंसर सीट देख के लगता है कि उनको 60 प्लस मार्क्स भी मिले हैं कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको सेक्शन थ्री में 65 प्लस मार्क्स भी मिले हैं कहने का मतलब है कि यह एक ऐसा सेक्शन है जिसमें कि जो पेपर चेकर्स हैं उन्होंने बहुत ही लिबरल मार्किंग की है हालांकि सेक्शन सेक्शन और टू में उतना लिबरल मार्किंग नहीं है लेकिन लेकिन सेक्शन थ्री में बहुत ही लिबरल मार्किंग हुई है इसीलिए तो मार्क्स मिले हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स को एक पैटर्न यह भी देखने को मिला है जो इवेलटेड आंसर सीट्स हैं ऑफ स्पेशली दोज हु हैव बिन सेलेक्टेड कि जिनका भी फर्स्ट एस में अगर उनको 60 प्लस मार्क्स मिले हैं तो इवेलटर्स को एक माइंड फ्रेम उनका बन गया कि इसकी राइटिंग अच्छी है और इसीलिए सेकेंड और थर्ड एस में डिस्पाइट एवरेज परफॉर्मेंस उनको अच्छे नंबर मिल गए हैं और वैसे कैंडिडेट जिनका कि पहला एस में सिक्सटी प्लस मार्क्स रहा है हंड्रेड प्लस मिला है दिस हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन सेवरल कैंडिडेट्स कहने का मतलब है कि जो पेपर चेकर होते हैं वह प्रोबेबली जो एक फ्रेस है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन उससे बहुत ज्यादा uh, वह इंफ्लुएंस्ड हुए हैं इसीलिए अगर आपका पहला ऐसे का क्वेश्चन में अगर आपके अच्छे नंबर रहे हैं तो आपको सेकेंड और थर्ड में भी अच्छे नंबर मिले हैं जिस कारण से हंड्रेड सिक्सटी प्लस बहुत सारे स्टूडेंट्स की मार्किंग हुई है

ऐसे टॉपिक वॉज लार्जली ओरिएंटेड टुअर्ड्स वन स्पेसिफिक एरिया और उसका जो नेचर था दैट वॉज लार्जली फिलोसफिकल इन नेचर अब यह एक ऐसा एरिया होता है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफर्टेबल नहीं होंगे उनके पास लिखने के लिए ज़्यादा विकल्प नहीं होगा बिकॉज जिनका भी फिलासफी बैकग्राउंड नहीं होगा दे वुडेंट हैव बिन कंफर्टेबल इन राइटिंग द ऐसे पेपर येट वी फाइंड कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स जिनका कि बैकग्राउंड फिलोसफिकल नहीं था उनके अच्छे नंबर आए हैं तो एक कंक्लूसन हम लोग निकाल सकते हैं मार्किंग पैटर्न से कि ऐसे में लिबरल मार्किंग हुई है दैट कैन नॉट बी डिनाइड इस प्रकार का लिबरल मार्किंग जी एस टू में खास कर कर बी के द्वारा नहीं होता है आप कितना भी अच्छा लिख दें चाहे वह पॉलिटी का सेक्शन हो या जोग्राफी इकोनॉमी का सेक्शन हो या साइंस टेक का सेक्शन हो आपको मार्क्स उतने आसानी से हायर एंड पर नहीं मिलते हैं दैट इज बिकॉज द मार्किंग पैटर्न इन जी पेपर टू इज लार्जली सबड्यूड जीएस वन में भी उस तरह का देखने को मिला लेकिन ऐसे में रिमार्किंग पैटर्न हैज बिन लार्जली लिबरल ऑफकोर्स ऐसे में अगर अच्छे मार्क्स मिले हैं तो ऐसे की क्वालिटी और डेप्थ इन राइटिंग दैट कैन नॉट बी डिनाइड येट वी हैव फाउंड कि अगर एवरेज राइटिंग भी है स्पेशली इन द सेकेंड एंड थर्ड ऐसे बट वेरी गुड राइटिंग इन दी फर्स्ट ऐसे तो अच्छे मार्क्स मिले हैं 69 जो ऐसे के टॉपिक्स थे तो कंपेयर टू 68 बीपीएससी ऐसे के टॉपिक्स 69 बीपीएससी में मोर जनरल इन नेचर अब चूंकि मोर जनरल इन नेचर इसका मतलब होता है कि सभी कैंडिडेट जो जिन्होंने मेंस लिखा सबके लिए कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक होगा जिसपे कि वो बहुत अच्छा लिख सकते हैं बहुत ही जनरलाइज नेचर था टॉपिक का और जीएस जिनकी अच्छे से तैयारी होती है वह ऐसे टॉपिक्स में अच्छा लिख सकते हैं जो कि हमें 69 बीपीएससी मेंस के ऐसे पेपर में देखने को मिला प्लस सिक्सटी एट बीपीएससी चूंकि पहली बार ऐसे का पेपर आया था तो स्टूडेंट्स वर नॉट प्रिपेयर टू दैट एक्सटेंट एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स वर नॉट श्योर एज टू वट टाइप ऑफ क्वेश्चन सेक्शन थर्ड इसमें की रीजनल लैंग्वेज से जुड़ा सवाल होता है बट इन स्टूडेंट्स वर बेटर प्रिपेयर्ड सो चूंकि स्टूडेंट्स बेटर प्रिपेयर्ड थे तो यहाँ पे मार्क्स के बढ़ने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है नाउ इन दैट कॉन्टेक्सट एवरेज मार्क्स जो है जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे और जिनका इंटरव्यू कॉल आने वाला है ऐसा लगता है कि जो एवरेज मार्क्स हैं दैट दैट वुड क्रॉस 160 प्लस कैन नॉट बी डाउटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट ऐसा भी हो सकता है कि चूंकि ऐसे का जो टॉपिक था क्वेश्चन थे बहुत ही जनरलाइज थे तो इस बार हो सकता है जो ऐसे के मार्क्स हैं दैट माइट क्रॉस टू हंड्रेड प्लस एंड दैट वुड नॉट बी सरप्राइजिंग क्योंकि अच्छी राइटिंग जब होती है तो स्कोर इतना आने की पॉसिबिलिटी बनती है अगर हम सी की तो यू पी में भी ऐसे का पेपर है और यू पी में जो ऐसे का पेपर है आउट ऑफ 150 फिफ्टी मार्क्स चूँकि वहाँ पे 150 मार्क्स का ऐसे पेपर होता है तो ऐसा देखा गया है कि वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स में अगर बात करें तो 105, 110, इवन 115 मार्क्स भी वहाँ पे जाता है कहने का मतलब है कि 70 टू 75 मार्क्स वहाँ पर आते हैं इन उत्तर प्रदेश पी सी एग्ज़ाम तो अगर हम बी की बात करें तो क्वाइट पॉसिबल है कि उसी जोन में हो सकता है कि बी का भी ऐसे का पेपर उसी जोन में मार्किंग पैटर्न हो दैट वुड बी क्लोज टू टू हंड्रेड प्लस दैट वुड नॉट बी सरप्राइजिंग हालांकि यहाँ पे एक राइडर बिल्कुल अटैच्ड होता है कि यह पेपर चेकर पर डिपेंड करता है प्लस जो न्यू चेयरमैन है उनके द्वारा भी डायरेक्शन होगा कि किस तरह से आ, कौन से पेपर में मार्किंग करनी है और वह सबके लिए वो इम्प्लीमेंट होगा ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टूडेंट के लिए वह एक्सेप्शन होगा सो गोइंग बाय द मार्किंग पैटर्न ऑफ 68 एट बी पी एस सी ऐसे सिक्सटी नाइन बी पी एस सी का जो ऐसे पेपर है गिवन देपर वॉज लेस्ट ऑफ लार्जली मॉडरेट इन नेचर दस वो फार मोर जनरलाइज्ड द मार्क्स ऑप्टेंड बाई सेवरल स्टूडेंट वुड बी इन दोन ऑफ टू हंड्रेड प्लस दैट कैन नॉट बी डिनाइड सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें वी शैल मीट शॉर्टली एंटिल देन गुड बाई